ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ऐसा है कि जो शाहिद कपूर का काम है आई थिंक उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट काम बोल सकते हैं। उनको जो एक्टिंग की है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, और जो कियारा है वो क्यूटनेस, उनके डायलॉग कम है फिल्म में कियारा के, लेकिन जो उनकी जो एक्सप्रेशंस हैं जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी दिखाई दे रही सर। आपको केमिस्ट्री अच्छी है, हाँ सर। आपको कैसा लगता है कि मतलब जो शाहिद कपूर की अब तक की मूवीज थी उसमें से ये इनका ब्लॉकबस्टर साबित होगा? ब्लॉकबस्टर तो मैं नहीं बोल सकता ये साबित होगा, लेकिन हाँ ये है कि शाहिद कपूर ने जो एक्टिंग की है वो बहुत काबिल तारीफ है और वो बहुत अच्छा वर्क किया उन्होंने। स्क्रिप्ट प्ले और सॉन्ग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सॉन्ग एक अच्छा है, जो बेखुदी में भी तेरी इस टाइप का ख्याल है, बेख्याली में भी तेरा ख्याल है, वो बहुत सॉन्ग अच्छा है। और इसके अलावा बाकी आई थिंक ज़्यादा सॉन्ग अच्छे नहीं बोल सकते। हाँ स्क्रीन प्ले जो है हाफ के बाद काफ़ी लूज हो जाता है। मैं 3 दूंगा। आपको क्या ऐसा क्या लगा कि जो कुछ खास है इसमें? कुछ खास इसमें ये है कि लव स्टोरी हम इसको ज़्यादा लव स्टोरी में नहीं बोल सकते। आई थिंक इस तरह की कोई लव स्टोरी नहीं होती कि आप ड्रिंक व्रिंक ये सब चीज़ें आई थिंक, लेकिन हाँ ये है कि एक फीलिंग्स जो हैं स्टोरी के अंदर वो हैं, एक अच्छी फीलिंग्स हैं, एक बार देख सकते हो आप, लेकिन आप इंटरवल के बाद काफ़ी हद तक थोड़ा सा बोर भी फील करोगे अपने आप। फिल्म ऐसा लगती है कि खींच रही है, लंबी है? लंबी हाफ के बाद है, हाँ लंबी हाफ के बाद है। ओके सर, आप फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 3 स्टार दूंगा। थैंक यू सर जी। आपको मूवी देख के? बहुत अच्छी मूवी है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह को कंपेयर ना करें। अर्जुन रेड्डी ओरिजिनल प्रोडक्ट है। जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नहीं देखी है वो पहले कबीर सिंह देखें फिर अर्जुन रेड्डी देखें, तो दैट विल बी अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर देम। कैसी स्टोरी है, कैसी लव स्टोरी है? लव स्टोरी ऑफकोर्स पीपल नो अबाउट अर्जुन रेड्डी, मोस्ट ऑफ द लाइक मे बी नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन हैज ऑल्सो सीन अर्जुन रेड्डी आई फील। सो लव स्टोरी बहुत अच्छी है, वेरी वेल रिटन, लाइक इट्स अ वेरी वेरी गुड दैट दे मेड इट इन बॉलीवुड ऑल्सो, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। सॉन्ग स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले के बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, मूवी के साथ एकदम जा रहे हैं। मूवी डेफिनेटली लोगों को देखनी चाहिए, बस जस्ट डोंट कंपेयर इट विद अर्जुन रेड्डी, दैट्स ऑल। अर्जुन रेड्डी का अलग प्रोडक्ट है, कबीर सिंह का अलग प्रोडक्ट है। कितने स्टार देना चाहेंगे? 3.5। आप कबीर सिंह देख के आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? ऑसम ऑसम मूवी, बहुत टाइम के बाद एक अच्छी पिक्चर देखी है, बहुत टाइम के बाद। कियारा आडवाणी वॉज सुपर्ब, शाहिद कपूर वॉज ऑसम, बहुत बहुत टाइम बाद एक अच्छी पिक्चर देखी। क्या आपको लग रहा है कि शाहिद के करियर का एक बहुत अच्छा फिल्म है, बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर साबित? बहुत अच्छा टर्न अराउंड होगा। लास्ट पिक्चर जो उसने रणवीर सिंह के साथ की थी उसको थोड़ा सा यू नो मेन स्ट्रीम से हटाने की कोशिश की गई थी, बट शायद ही इज़ ए सुपर स्टार। स्टोरी के बारे में आप क्या कहेंगे, लव स्टोरी कैसी? बहुत अच्छी लव स्टोरी, एक मैं कहूँगा कि एक काफ़ी हार्ड हिटिंग लव स्टोरी है, बहुत टाइम के बाद ऐसी लव स्टोरी देखने को मिली है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा, जो भी इसका डायरेक्टर है उसने जो पहली अर्जुन रेड्डी बनाई थी और सेकंड ये बनाई, और थोड़ी सी लंबी है पिक्चर, थोड़ी सी छोटी हो सकती थी, बट बहुत अच्छी पिक्चर। आई मीन आई वॉज क्राइंग लास्ट में जो सीन्स हैं। आप कितने स्टार देना चाहेंगे 5 में से? 4.5। काफ़ी अच्छी फिल्म थी, उड़ता पंजाब के बाद शाहिद कपूर की कोई परफॉर्मेंस हम लोगों को अच्छी लगी तो वो ये फिल्म। क्या आपको लगता है कि ये शाहिद कपूर की अब तक की ब्लॉकबस्टर मूवी होगी? उड़ता पंजाब के बाद, उड़ता पंजाब कैसे लगी दोनों की केमिस्ट्री, कियारा और शाहिद की? अच्छी थी, लेकिन कियारा आडवाणी थोड़ा कम बोली, बट इन केमिस्ट्री इन लास्ट बहुत अच्छी थी। क्या कुछ खास क्या अच्छा लगा आपको, सीन जो आपको टच किया हो? शाहिद कपूर पागलपन। कितने स्टार देना चाहेंगे आप 5 में से? 4। I really like the movie and Shahid's performance is excellent. उसकी बॉडी अच्छी थी, ही वॉज लुकिंग सो अमेजिंग, हिज एक्टिंग वॉज सुपर्ब, ऐसा लग रहा था उसके अलावा ये रोल कुछ और कोई कर ही नहीं सकता था। इन एवरी सीन ही वॉज सो परफेक्ट, लव इट। थैंक यू सो मच।
बहुत से ऐसे सीन्स हैं, स्पेशली जब वो गुस्सा होता था एंड हिज कॉमिक टाइमिंग, एक्चुअली उसके गुस्से में भी कभी कभी हंसी आती थी, तो वो टाइप का बहुत अच्छा, मतलब स्टोरी लाइन बहुत इंगेजिंग है ऑडियंस से। कौन से सॉन्ग ने आपको टच किया? बेख्याली वाला। कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 out of 5। सर अभी आप कबीर सिंह देख के आ रहे हैं, कैसा लग रहा? सर जस्ट धाकड़ मूवी, जस्ट माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट मूवी, इज द बेस्ट मूवी ऑफ द शाहिद कपूर आई थिंक। बेस्ट मूवी एवर शाहिद कपूर। स्टोरी पूरा का पूरा लव स्टोरी है, तो लव स्टोरी में जो तो होता है सच्चा प्यार, सच्चा लव, एक्सट्रीम लव, तो उसमें थोड़ा साइको हो गए हैं वो, तो वो वाला एक्टिंग जो है वो सबसे अट्रैक्ट करेगी पब्लिक को, वो वाला। आपको कौन से सीन ने टच किया? टच जो एक स्पॉइलर देना नहीं चाहूँगा, जो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, जो आपको क्लाइमेक्स में देखने को मिलेगा, इज द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ एवरी लवर। फाइव आउट ऑफ फाइव। थैंक यू। आप अभी कबीर सिंह देख के आ रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मस्त मूवी थी एकदम। कौन सा सीन ने आपको टच किया? लास्ट वाला सीन, मतलब जान हो गए, तो जान हो गए, लगा नहीं था कि ऐसा ही सीन आ गया, पर वाव थी। क्या कहेंगे आप सॉन्ग के बारे में? सॉन्ग तो जाने, हम तो एक दो महीने से देख रहे थे कि जल्दी आओ, क्योंकि उसके ऑलरेडी आ चुके हैं अपनी डब पार्ट है, तो सिर्फ अपना हिंदी का देखना था, शाहिद को देखना था अभी। तो स्क्रीन प्ले कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? जितने चाहे तो ले लो, 6, 7, 8, 9 तक जितने हैं उतने ले लो। 5 में से 5। सर अभी आप कबीर सिंह देख के आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छी मूवी है, लव स्टोरी है। जी सर। कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छी। किस टाइप की लव स्टोरी है ये? जुनून वाली लव स्टोरी है एकदम, प्यार में जो आदमी बर्बाद हो जाता है तो अपने आप को ही बर्बाद कर देता है। सर आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा फील किया आपके लाइफ को कोई सीन टच कर रहा हो मूवी का? हाँ, लेकिन हाँ ऐसा अफेक्ट किया है मुझे भी, प्यार में अगर वो सक्सेस नहीं मिलती है तो, लेकिन ऐसे बर्बाद ही करना जरूरी नहीं है, ये रॉन्ग मैसेज जा रहा है सर मूवी से, रॉन्ग मैसेज जा रहा है। हाँ, ऐसा कि ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीता है, वो अपने आप को ख़त्म कर देता है प्यार में, ऐसा जरूरी नहीं है। सर इसमें गाने बहुत अच्छे हैं। अच्छा, गाने के बारे में आपके ख्याल हैं कि ये बहुत अच्छे हैं? गाने अच्छे हैं। ओके सर, तो स्क्रीन प्ले के बारे में क्या कहेंगे, डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे, कैसी रही उनकी? एक पिक्चर आई थी ना उनकी, साउथ इंडियन पिक्चर आई थी, हाँ उसकी कॉपी है, ठीक है ऐसा। और इसमें ये फैमिली मूवी नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छी मूवी है, लेकिन इससे बहुत सारे सीन जो है एडिटिंग करना ज़रूरी था, लंबी फिल्म बनाई है बहुत, तो उसमें आधा घंटा निकाल देते तो अच्छा हो जाता था, फालतू सीन बहुत है, ड्रग्स का, ड्रिंकिंग का, सिगरेट का, इतना ज़्यादा ओवरडोज है वो। सर 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 2.5। थैंक यू सर। सर कबीर सिंह देख के आपको कैसा लगा? देखिए कबीर सिंह मूवी देखी, मूवी में मज़ा आया, अलग तरह की मूवी है, और कबीर का जो रोल किया है कबीर सिंह का, शाहिद कपूर ने, वो बहुत ही उम्दा रोल किया है, बहुत ही अच्छी तरह उसने रोल को जस्टिफाई किया है। सर आपने कहा बहुत ही अलग स्टोरी, किस तरह की अलग स्टोरी? अलग स्टोरी देखिए, प्यार में पागल एक प्रेमी की स्टोरी है, मॉडर्न ज़माने में वो पागल हो जाता है कॉलेज लाइफ से, उसके बाद वो एक अच्छा डॉक्टर सर्जन बन जाता है, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता है और वो ड्रग का एडिक्ट हो जाता है। कियारा आडवाणी का रोल ऐसा है कि वो हीरोइन है, बहुत अच्छी, देखने में सुंदर है और अच्छी तरह उसने रोल किया है, केमिस्ट्री बहुत उसकी अच्छी है, और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी ये कलाकार उभर कर आएगी। शाहिद के अब तक के जो परफॉर्मेंस रहे उसके आधार पे इस मूवी में जो उनका परफॉर्मेंस है, आप क्या? देखिए शाहिद का जो पिछली पिक्चरें हमने देखी है उसमें, इसमें हैदर में जो उसने एक्टिंग की है उस टाइप की एक्टिंग इसमें भी की है, हो सकता है हैदर से 1% ज़्यादा ही की हो, और जस्टिफाई भी किया है इसने, जो वो रोल किया है बहुत ही अच्छी तरह जस्टिफाई किया। आपको लगता है कि ये उनके करियर की एक बड़ी फिल्म साबित होने वाली है? शायद हो जाए। आज पहला दिन है और फर्स्ट शो में भी यंग जनरेशन की हिसाब से शुक्रवार को हाउसफुल पिक्चर होता नहीं है, कितने सालों बाद मैं देख रहा हूँ कि ये फर्स्ट हाउसफुल है। सर आपने अर्जुन रेड्डी जिसकी ये रीमेक है कबीर सिंह,
वो देखी है मैंने, हू बहू है, उसी को सिर्फ हिंदी में किया है, बाकी सारे सीन बीन सब वही है। आपने स्क्रीन प्ले देखा, मूवी देखी, डायरेक्टर्स को कितने देखे? डायरेक्शन बहुत अच्छा है इसमें, मार अगर पिक्चर खाती है तो एडिटिंग में। एक सीन को मैंने सिगरेट को, शराब को और ड्रग को जो 4 बार 5 बार 8 बार दिखाया गया इंटरवल के बाद, वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उसके लिए पिक्चर हो गई 3 घंटे की। अगर एडिटिंग ठीक से किया होता तो ये पिक्चर 2 घंटे 30-35-40 मिनट की होती, तो लोग लास्ट में बोर नहीं होते। सर, आप कबीर सिंह मूवी को 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? कबीर सिंह मूवी को 5 में से मैं 3 स्टार दूंगा, 3 स्टार इसके लिए जायज बनते हैं।